Hello everyone, welcome fellow Momo Sapiens, and also welcome to those who are coming to our channel for the first time. So for today's video, you already know the name, so I am not going to talk about that, but I am going to introduce Nidhi today because she has been doing makeup for the last 10 years or so. I'm not saying this because of the channel, and you'll see that soon, but she's really good at it. So today's video is about concealers. Now you might think this video is for the ladies in the house, but I would say that no matter what gender you identify with, this video is for everyone who has not a lot of dark circles, someone like me perhaps. This video is for all of us. So today's video is going to show you 7 tips. Yes, and this is not a false claim. Nidhi is going to show you all the hacks or tips that you need for using a concealer, and I'm pretty sure that if you're here, you've already been to a lot of other channels, and we assure you that there are going to be at least 4 of them that you did not know before today. So let's pass the mic to Nidhi. हेलो गाइस, आज मैं आपको कंसीलर हैक्स दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने 3 कंसीलर्स का यूज़ करने वाली हूँ। सो पहला है LA Pro Girl की तरफ से, जो कि प्योर बेज शेड में है, जो कि मेरे स्किन टोन से मैच करता है। एंड सेकेंड है फ्लावर ब्यूटी एंड मेबलिन रिवाइंड स्टिक, जो कि एक शेड लाइटर है। आप कंसीलर को 3 तरीके से लगा सकते हैं, एक अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से, दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, एंड तीसरा अपने रिंग फिंगर की हेल्प से। सो यहाँ प्योर बेज मेरे स्किन टोन से मैच करता है, एंड अगर आपका स्किन टेक्सचर मेरी तरह है, माइल्ड डार्क सर्कल्स हैं एंड थोड़े एक्ने स्कार्स हैं, आपको अपने स्किन टोन के कलर के हिसाब से कंसीलर यूज़ करना चाहिए। ये कंसीलर आपके बहुत काम आएगा कंसिडरिंग अगर आपको नो फाउंडेशन लुक के लिए जाना है। टू अवॉइड केकी अंडर आई, आपको ऐसे 3 डॉट करना है, एक इनर कॉर्नर में, एक मिडल में और एक आउटर कॉर्नर में। एंड यहाँ मैं अपने रिंग फिंगर के हेल्प से इसे स्प्रेड आउट करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपका सबसे ईजीएस्ट तरीका है कंसीलर स्प्रेड करने का। एंड इफ़ यू फील कि आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए, तो आप थोड़ा और कंसीलर ऐड कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर के जगह अगर आप अपना रिंग फिंगर यूज़ करते हैं, वो बेटर कवरेज आपको देगा। दूसरी आई के लिए मैं अपना कंसीलर का ब्रश यूज़ करूँगी, जो यूजुअली ऐसे फ्लैट होता है, एंड उसे उसकी हेल्प से कंसीलर को स्प्रेड आउट करूँगी। सो नेक्स्ट टाइम अपने ब्यूटी ब्लेंडर की जगह आप या ब्रश या अपने रिंग फिंगर के हेल्प से कंसीलर लगा के देखिए, आपको बेटर कवरेज मिलेगा। नाउ लाइटर कंसीलर के हेल्प से मैं अपनी डल आई को थोड़ा ब्राइटन अप करूँगी। ऐसे आपको 3 डॉट अगेन यू हैव टू प्लेस, एक इनर कॉर्नर में, एक मिडल में एंड एक आउटर कॉर्नर में, एंड ब्रश के हेल्प से आपको इसे स्प्रेड आउट करना है। ये आपके अंडर आई को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करेगा। इफ़ यू हैव अ डल अंडर आई, आप इंस्टेंटली डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज के बीच में। एंड नाउ मैं सिमिलरली सेम प्रोसेस सेकेंड आई में रिपीट करूँगी। मैं कंसीलर की मदद से अपने आईब्रोज को और डिफाइन कर सकती हूँ। यहाँ आपको नीचे बेसिकली ट्रेस करना है कंसीलर को आपके आईब्रो के शेप में, एंड आप उससे अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं, मोर डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एंड ऐसे ब्रश की मदद से आपको उसे स्प्रेड आउट करना है। अगर आपको भी एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है चीक एरिया में, या फिर आपको कोई एक्टिव पिंपल है, तो आप उसे कंसीलर की मदद से ऐसे स्पॉट ब्रश के थ्रू उसका अपीयरेंस रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ आपको वो कंसीलर यूज़ करना है जो आपके स्किन टोन से मैच करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आप ऐसे ही कलर करेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पर भी एक वीडियो और बनाऊंगी।
फॉर मेच्योर्ड स्किन या आपका लाफ लाइन अगर प्रोमिनेंट है तो आप कंसीलर के हेल्प से उसका अपीयरेंस रिड्यूस कर सकते हैं। कंसीलर आपको बहुत हेल्प करता है आपके फेस को कॉन्टोर करने में। अगर आपका फेस बेसिकली स्मॉल है एंड आपको अपने जॉ लाइन का अपीयरेंस थोड़ा ब्रॉड दिखाना है तो आप ऐसे कंसीलर के हेल्प से उसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो आपका फेस थोड़ा सा और वाइडन या ब्रॉड लगेगा। अगर आपको अपने चीक बोन्स थोड़े लिफ्टेड अपीयरेंस दिखाना है उसका, तो आप उस तरीके से कंसीलर यूज़ करके आप कॉन्टोर कर सकते हैं अपने फेस को एंड मोर स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। सो कंसीलर आपकी बहुत हेल्प करता है अगर आपको कट क्रीस वाला आई शेडो करना है उसके लिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी अ वीडियो ऑन दिस, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड एज ऑफ नाउ आप ये कंसीलर को एज अ प्राइमर फॉर आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लॉन्जेटिविटी बढ़ा देता है आई शेडो का। आप लाइटर शेड ऑफ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। सो बेसिकली जहाँ जहाँ आपको चाहिए कि आपका लाइट आपके फेस पे हिट करे फर्स्ट, आपको वहाँ वो कंसीलर ऐड करना है। सो हाई पॉइंट्स पे मैंने यहाँ ऐड किया है अपने फेस के, दैट इज़ ब्राउ बोन, क्यूपिड्स बो, नोज एरिया, चिन पे मैंने ऐड किया है। यहाँ मैंने मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर यूज़ किया है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से बेक करते हैं तो अगर आपकी आईज़ के नीचे फाइन लाइंस है तो आपका पाउडर वहाँ सेटल हो जाएगा। इंस्टेड आप इसे कंसीलर ब्रश के हेल्प से जस्ट डस्ट ऑफ कर सकते हैं एंड रिजल्ट सेम रहेगा, आपका अंडर आई क्रीस नहीं करेगा, इंस्टेड वो ज़्यादा बेटर दिखेगा एंड आपके फाइन लाइंस में सेटल नहीं होगा पाउडर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, बाय।